नमस्ते दोस्तों, भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS जो दिल्ली को मेरठ, अलवर और पानीपत सहित NCR से जोड़ेगा, अब रैपिडेक्स कहलाएगा। कार्यकारी एजेंसी NCRTC ने इसे एक नया नाम देने का फैसला किया है, क्योंकि RRTS एक प्रकार की रेल प्रणाली को संदर्भित करता है। ब्रांड नाम रैपिडेक्स पढ़ने में आसान और विभिन्न भाषाओं में उच्चारण करने में भी आसान है। रैपिड नाम पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपनाया जा चुका है और पूरे क्षेत्र के लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। गति और प्रगति को दर्शाने के अलावा X अगली पीढ़ी की तकनीक और नए युग के मोबिलिटी सॉल्यूशन को दर्शाता है। ये यूथ आशावाद और एनर्जी का भी प्रतिनिधित्व करता है। NCRTC ने ग्रीन लीफ के प्रतीक वाला लोगो भी जारी किया। ग्रीन लीफ का सिंबल न केवल सड़क पर वाहनों की संख्या को कम करके बल्कि ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके NCR को डिकार्बोनाइजेशन के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता का मुख्य आकर्षण बनाना है। NCRTC स्टेशनों और डिपो पर सोलर पैनलों की स्थापना करके ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है और ट्रैक्शन में मिश्रित शक्ति का उपयोग भी कर रहा है, जिसे लगातार बढ़ाया जाना है। रैपिडेक्स 182 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ NCR में अपने गृहनगर में रहने वाले लोगों को आधुनिक, विश्व स्तरीय, टिकाऊ, सुविधाजनक, तेज, सुरक्षित और यात्रा के आरामदायक साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगा। NCR में युवाओं के लिए रैपिडेक्स अवसरों की दुनिया तक आसान और तेज पहुंच प्रदान करेगा, जो उन्हें उनकी आकांक्षाओं की ओर ले जाएगा। गौरतलब है कि NCRTC 84 किलोमीटर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर के प्राथमिकता वाले सेक्शन को मई 2023 में और पूरे पहले रैपिडेक्स कॉरिडोर को 2025 तक चालू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। धन्यवाद।